चलें। वेदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तम्हा देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनिर्वाच्य विद्या द्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवर्तायास्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वम् चरमचरमोचवचमिदं नमामस्तद्ब्रह्म परिमितसुखज्ञानममृतम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। कहाँ से चलेगा भाई? अच्छा ठीक है ठीक। क्योंकि ये चल रहा है ना 10वां सूत्र का, तो यहाँ पर अक्षर से परब्रह्म हुआ, वर्ण नहीं है, वर्ण नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं ये जो अक्षर अम्बरांत धृते है, तो यहाँ पर देखो पूर्व पक्ष क्या है, पूर्व पक्ष अक्षर शब्द से किसको लिया है? वर्ण को। तो वर्ण बात का यहाँ पर निराकरण हुआ सिद्धांत के अनुसार, है कि नहीं? जो वर्ण है अक्षर वही जगत का आश्रय है कि नहीं? तो ये पूर्व पक्ष हुआ, तो इसका सिद्धांत ने निराकरण किया गया, तो वर्ण बात का निराकरण हुआ, इसलिए पूर्व पक्ष यहाँ पर वर्णवादी है। और कुछ लोग मानते नहीं, यहाँ पर पूर्व पक्ष वर्ण नहीं, यहाँ पर वर्णवाद नहीं है, प्रधानवाद। क्या है? प्रधानवाद, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये यहाँ पर लिखते हैं देखो, ये तो प्रधानम पूर्व पक्षित्वा अनेन सूत्रेण परमात्मा एव अक्षरम इति सिद्धांतयति। ये सिद्धांतयति भास्कर आचार्य, भास्कर पंचदशी में भी सुने ना, समुच्चयवादी भास्कर आचार्य। तो उनका कहना है कि यहाँ पर पूर्व पक्ष वर्णवाद नहीं है, प्रधान। तब प्रधानवाद का यहाँ पर निराकरण किया गया, प्रधानम पूर्व पक्षित्वा,
प्रधान को पूर्व पक्ष मान करके इस सूत्र के द्वारा, कौन सूत्र? अक्षरम अम्बरांत धरते है। इस सूत्र के द्वारा निराकरण करके परमात्मा एव अक्षरम, परमात्मा ही यहाँ पर अक्षर है, ऐसा कहा गया, ठीक है ना? तो ते ही अमरांत धृतेर इति अनेन कथम प्रधानम निराक्रियते इति वाच्यम। तो उनको कहना पड़ेगा ना, भास्कर आचार्य को कहना पड़ेगा कि अमरांत धृते है इस सूत्र के द्वारा कि प्रधान का निराकरण कैसे करोगे यहाँ पर, है ना? प्रधान का निराकरण कैसे करोगे ये कहना पड़ेगा उनको, कहने मात्र से तो होगा नहीं, है ना? अच्छा, अथ न अधिकरणत्वमात्रं धृते अपितु प्रशासनाधिकरणता। तो यहाँ पर जो अम्बरांत धृति कह दिया, यहाँ पर धृति का अर्थ अधिकरण ले लो, यहाँ पर धृति का अर्थ अधिकरण लो, फिर क्या लेंगे? अपितु प्रशासन अधिकरणता, भाई प्रशासन करने का वो अधिकरण है, वो प्रशासन करने का आसन, प्रशासन करना जिसका धर्म है, ऐसा मान लिया जाए, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि श्रुति भी कहती है तथा च श्रुति है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्रितो तिष्ठतः। जिस अक्षर के प्रशासन में हे गार्गी, सूर्य है, चंद्रमा है, सारा जगत ले लो, सब रह करके अपना अपना कार्य करते हैं, सबको प्रशासन किया है अक्षर, है कि नहीं? तथापि, हाँ, तथापि अम्बरांत धृते है इति अनर्थकम्। तब तो अम्बरांत धृति सूत्र बनाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि अक्षरम अम्बरांत धृते है, पहला पद हो गया अक्षरम, दूसरा पद हो गया अम्बरांत धृते है, ये सूत्र का जो इतना भाग जो है वो तो व्यर्थ हो जाएगा ना, है ना? एतावत वक्तव्यम, इतना ही कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अक्षरम प्रशासना, अक्षरम प्रशासनात, इतना ही कह लो। तो क्या होगा? एतावता एव प्रधान निराकरण सिद्धे, इतने से ही प्रधान जो मानते हो जगत का आश्रय, उसका निराकरण तो हो जाएगा धर्म, है ना? तस्मात, इसलिए क्या हुआ फिर? वर्ण अक्षरता निराक्रिया एव एतस्य अस्य अर्थः। ये सूत्र का अर्थ क्या करना चाहिए? यहाँ पर जो है अक्षर से वर्ण को लेना चाहिए पूर्व पक्ष के अनुसार, हो गया ना भाई? इस अक्षर शब्द के द्वारा निराकरण हुआ, किसका निराकरण हुआ? वर्ण, वर्ण बात का निराकरण हुआ, ठीक है भाई? ऐसा ले लो। अच्छा, अब कहते हैं कि देखो, न च स्थूलादीना वर्णेशु अप्राप्ते अस्थूलम इत्यादि निषेधेन अनुपपत्ते, निषेध अनुपपत्तेर वर्णेशु शंका एव नास्ति इति वच्यम्। देखो क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर प्राप्त हो वहाँ पर निषेध किया जाता है ना? अस्थूलम अनण हो, यहाँ पर जो निषेध किया गया ना, स्थूल धर्म नहीं जिसका, जिसका सूक्ष्म धर्म नहीं, है कि नहीं? तो स्थूल धर्म सूक्ष्म धर्म ये वर्ण में प्राप्त है क्या? पूर्व पक्षी कहता है कि प्राप्त ही नहीं है, जहाँ पर प्राप्त ही नहीं तो उसका निषेध करते हो, नहीं कह जाता है जो भाई, जो कभी आपके पाठ में नहीं आता है उसको कहते हो कि पाठ में नहीं आना, जो कभी कभी आता है।
जिसको आने की जिसकी आने की प्राप्ति है, मतलब जो आता है उसको कहा जाता है कि तुम नहीं आना, नियम का पालन नहीं करते हो। लेकिन जो कभी आता ही नहीं है उसका काय को निषेध करोगे? हाँ, तुम नहीं आना क्यों बोलोगे? लेकिन इसी प्रकार से जो वर्ण है क ख ग है, तो वो वर्ण स्थूल है कि सूक्ष्म है? वो तो द्रव्य ही नहीं है, स्थूलता सूक्ष्मता उसमें तो है ही नहीं। तो फिर जो है वर्ण में प्राप्त ही नहीं, तो फिर वर्ण का निराकरण क्यों करोगे? होगी नहीं, ये यहाँ पर कह रहा है स्थूलादिनाम वर्णेशु अप्राप्ति है। पूर्व पक्षी अपनी ओर से बोल रहा है स्थूलादि जो धर्म है वर्ण में प्राप्त ही नहीं है। इल अस्थूलम इत्यादि निषेध अनुपपत्ते, इल अस्थूल अस्थूलम अनणु शब्द से यहाँ वर्ण का निराकरण कैसे होगा? वर्णेशु शंका एव नास्ति इति वाच्यम, है कि नहीं? तब सिद्धांती बोलते हैं ऐसी बात नहीं है भगवान कि जहाँ पर प्राप्त हो तब जाकर के निषेध होता है, ऐसी बात नहीं। नहीं अवश्यम प्राप्ति पूर्विका एव प्रतिषेधा भवन्ति, जहाँ पर प्राप्ति हो तब जाकर के प्रतिषेध किया जाता है वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। अप्राप्तिषुपि नित्यानुवादानां दर्शना, अरे कहीं प्राप्त नहीं है तब भी उसका अनुवाद करके कहा जाता है, ये देखा जाता है ना? हाँ, क्योंकि कभी कभी होता है प्राप्त न होने पर भी अप्राप्तों में भी निषेध किया जाता है, ये नियम है। इसमें दृष्टांत दिया जा रहा है, देखो क्या दृष्टांत दिया जा रहा है कि नांतरिक्षे ना दीवी ऐसा कह दिया, अंतरिक्ष में नहीं, द्यूलोक में नहीं, अग्नि का चयन नहीं करना है। जो ईटा का ईंटे का चयन होता है ना भाई, आजकल तो पता नहीं लोगों को ईंटे कैसे जोड़ना है वेदी में, अग्नि का चयन कैसे करना है, बस ऐसे जोड़ दिया, चार कुटियाँ बना दिया तो हवन कुंड हो गया, और क्या, अग्नि जलना चाहिए चाहे मुंह से फूको चाहे कैसे भी करो, अग्नि का प्रज्वलन होना चाहिए। आप लोगों ने कभी देखा है क्या अग्नि मंथन कैसे करते हैं? नहीं देखा है? कहाँ दे देखे हो? अच्छा, तो मुंह से फूकते हैं? कहीं कहीं फूकते हैं आजकल के पंडित लोग जो है ना, बड़ा विलक्षण, कैसे भी अग्नि प्रज्वलन होना चाहिए मुंह से फूक देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, दोष लगेगा, अशुद्ध हो या ना हो अपने को ही दोष लगेगा। परंपरा नहीं है भाई, परंपरा नहीं होता, आजकल बहुत कठिन काम है। और वेदांत थोड़ा पढ़ लिया तो पूछो मत, फिर कोई शुद्धि अशुद्धि कुछ रहा नहीं है कि नहीं? चाहे दायां हाथ से पियो चाहे बायां हाथ से पियो, हैं तो बायां हाथ से पियेंगे तो जल जाएगा मुंह पर कि नहीं जाएगा? क्या कह रहे हैं, जाएगा? हाँ, तो जाएगा तो किस हाथ से पीना चाहिए, बायां हाथ से पीना चाहिए कि दायां हाथ से पीना चाहिए? बायां से नहीं, हाँ राइट से पीना चाहिए, लेफ्ट से नहीं पिया जाता है अशास्त्रीय मानते हैं, अशास्त्रीय है ही हो, अशास्त्रीय है ही हो, निषेध है, ठीक है ना? हाँ क्या, और देखा जाए नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए है ना? और क्या, न दो हाथ से लिखो एक केवल लेफ्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है शास्त्रीय कर्म में, बाकी कर्म तो अलग बात है, शास्त्रीय कर्म में एक ही नहीं भाई, उसमें बायां हाथ, केवल बायां हाथ का प्रयोग नहीं होता है। क्या काज है आजकल भाई, शुद्धि अशुद्धि कुछ रही नहीं आजकल में, सब बराबर बोलते हैं ऐसा है यत। हाँ जी, जाता है जब ये कहीं कहीं तो शास्त्र में वर्जित है हाथ से, जल
क्या जी? शास्त्र कहता है कि बाएं हाथ से ठीक यज्ञ नहीं देना चाहिए, है। लेकिन जब हम होमे जाते हैं, पिता जी को जल देते हैं, जलांजलि देते हैं, पितरों को देते हैं या अन्य को देते हैं, तो हाथों तो दूर नहीं, हाथ भी दोनों हाथों को ले सकते हैं। दोनों हाथ किया जा सकता है, केवल बाएं हाथ का नहीं, ये कहा जा रहा है। अच्छा, हाँ ये कह रहे हैं, दोनों हाथ का प्रयोग कर सकते हो, केवल बाएं हाथ से प्रयोग नहीं किया जाता है, ये कहा जा रहा है। हाँ चलो, यथा न अंतरिक्षे न देवी इति अग्निचयना निषेधा अनुवाद। ये देखो, अंतरिक्ष में अग्निचयन नहीं, द्यूलोक में अग्निचयन नहीं। भाई अंतरिक्ष में अग्निचयन की प्राप्ति नहीं है, वो तो जमीन पर करते हो, फिर भी उसका क्या कर दिया, नहीं अनुवाद कर दिया है ना। तस्मात यत किंचित एतत्, तात्पर्य क्या हुआ? अच्छा इसमें थोड़ा विचार है, ये जो कहा कि वर्ण में स्थूलता आदि की प्राप्ति नहीं है, धन में कि नहीं, ये तो ऐसा मान करके बोल दिया कि अप्राप्त में भी निषेध किया जाता है, ऐसा मानते हुए बोल दिया भामतिकार ने, धन में ना। लेकिन इसके ऊपर जो कल्पतरु आदि टीका होती है, हाँ ये भामते भी बड़ा सूक्ष्म लिखते हैं ना, इसको विचार करना ही बड़ा बहुत बुद्धि का काम है। तो कहते हैं कि ऐसा मान करके कल बोल दिया वाचस्पति जी ने, क्योंकि देखो जैसे ब्रह्मा अशरीर है ना, ईशावास्य में कह रहे हो अकायम अव्रणम अस्नावीरम, तो ब्रह्म में शरीर आदि की प्राप्ति है क्या? क्या कह रहे हो? सगुण ब्रह्म में है, निर्गुण में नहीं है। जिसमें भी हो प्राप्ति है, कैसे प्राप्ति है? अध्यास को लेकर के। किसको लेकर के? अध्यास को लेकर के प्राप्ति है, उसका निषेध कर दिया, शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो वर्ण है और जो अर्थ है, मतलब अभिधान और अभिधेय, अभिधान और अभिधेय में क्या होता है, तादात्म्य होता है ना भाई। जैसे घट नाम हो गया, घट अर्थ हो गया, दोनों में क्या होता है, तादात्म्य होता है। इसलिए घट में स्थूलता सूक्ष्मता है, छोटा है बड़ा है, इसलिए उसका आरोप कहाँ पर हो जाता है? वर्ण में हो जाएगा, नाम में हो जाएगा। इसलिए तादात्म्य मान करके घटपटादि धर्मों की प्राप्ति कहाँ पर? वर्ण में भी हो सकती है। समझ में कि नहीं है? हो गया ना भाई कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ अभी नहीं आया। हाँ इसलिए यहाँ पर वर्ण में स्थूलता आदि की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए उसको पूर्व पक्ष मानना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए अक्षर शब्द से कोई वर्ण को ना समझे, अस्थूलम अनणु शब्द से यहाँ पर वर्ण को कहा गया, शब्द को कहा गया, है कि नहीं? हाँ इसलिए उसका निषेध कर दिया, नहीं वो जो वर्णात्मक जो है वो अक्षर यहाँ पर नहीं है, वो तो परब्रह्म है कि नहीं? इसलिए भास्कर आचार्य ने विचार नहीं किया, ऐसे ही कुछ कह दिया। तस्माद यत किंचित एतद् भामतिकार ने बोल दिया, ऐसा भास्कर आचार्य ने कुछ कह दिया, मतलब उसका कथन प्रामाणिक नहीं है, वो प्रमाण से युक्ति युक्त नहीं है वो, ऐसा बोल दिया। यत्किंचित एतद् मतलब क्या? कुछ कह दिया बोलते ना, अरे वो ऐसे ही कुछ कह दिया, नहीं बोलते हिंदी में ऐसे ही कुछ कह दिया, मतलब बिना प्रमाण से बोल दिया। इसमें भास्कर आचार्य ने कुछ कह दिया, मतलब बिना प्रमाण से कुछ कह दिया, ऐसा हो गया। आगे चलो ऐसे ऐसे सूक्ष्म शब्द लिखते हैं भावतीकार। अगला सूत्र देखो भाई, 11 नंबर सूत्र है।
तो 11 नंबर सूत्र देखिए, भाष्य में थोड़ा सा है भी, स्यात् एतत् कार्यश्च चेत् कारणाधीनत्वम् अम्बरान्त धृतिर अपगम्यते प्रधान कारणवादिन अपि यम उपपद्यते कथम अम्बरान्त धृतिर ब्रह्मत्व प्रतिपत्ति इति। ये पूर्व पक्ष हो गया। तो देखो कि ये जो अम्बरान्त धृति, ये सूत्र है 10 नंबर, तो उनका कहना है कि कारण के अधीन कार्य को रहना होता है। कार्य किसके अधीन होता है? कारण के अधीन ही रहता है, नहीं कार्य कारण के अधीन होता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। स्यात् एतत् कार्य सचेत कारणाधीनत्व, भाई कार्य तो कारण के अधीन रहता है कि नहीं। हाँ तो फिर क्या हुआ, अम्बरान्त धृतिर अपगम्यते। ये जो अम्बरान्त धृति कहा, मतलब आकाश पर्यंत जो है उसका धारण करना, है ना, ऐसा अर्थ स्वीकार हुआ। तब तो देखो सारे कार्य को कौन धारण करता है? प्रधान, त्रिगुणात्मक जो प्रधान है, सांख्य लोग मानते हैं ना, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, प्रधान हो गया। लेकिन प्रधान कारणवादिन अपनी यम उपपद्यते, हो गया कि नहीं हो गया? सारे आकाश आदि जितने भी कार्य है सबका धारण कौन करेगा? प्रधान करेगा। इसलिए पूर्व पक्ष कौन हुआ यहाँ पर, वर्णवादी हुआ कि प्रधानवादी हुआ? हाँ हाँ इसलिए कथम अम्बरान्त धृते ब्रह्मत्व प्रतिपत्ति रीति, है ना। इसलिए आकाशांत जितने भी जगत है उसका धारण करने वाला वो तो प्रधान हो जाएगा, ब्रह्म का ही को होगा। इसलिए कथम अम्बरान्त धृते ब्रह्मत्व प्रतिपत्तिर, हाँ ये पूर्व पक्ष बनेगा, ठीक है। इसका समाधान करते हैं, अतः उत्तरम पठति, ये उत्तर के रूप से सूत्र पढ़ते हैं। देखो साच प्रशासनात्, साच प्रशासनात्, साच दो पद आ गया, सा च, सा कहने से अमरांत धृति, मतलब आकाश पर्यंत ये जगत का धारण करना, धृति का मतलब धारण करना। बोलते हैं कि ये किसका धर्म है मालूम है, ये चेतन का होगा कि जड़ का होगा? चेतन का होगा, चेतन का होगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर साच कहने, सा कहने से अम्बरान्त धृति ही, सारे जगत को धारण करना, ये किसका है? परमेश्वरस्य एव कर्म, ये परमेश्वर का ही धर्म है नारायण, ये धर्म जो है परमेश्वर का है ना। मतलब किसका नहीं हुआ? अचेतन जड़ का नहीं। क्यों? बोलते कि प्रशासना, क्योंकि श्रुति बोलती है कि हे गार्गी एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्रितो तिष्ठतः, ये सबका प्रशासन करना, सारे जगत को, सूर्य हो चंद्रमा हो जितने भी विशिष्ट पदार्थ है ये सबको प्रशासन करना, ये परमेश्वर के लिए कहा गया है ना। इसलिए अक्षर परमात्मा है ये, है ना, ये सिद्ध होता है भाई, ठीक है। अच्छा थोड़ा भाष्य ले लें पहले, साच अम्बरान्त धृति ही परमेश्वरस्य एव कर्म, ये सारे जगत को धारण करना ये परमेश्वर का ही कर्म है, उसका स्वभाव है परमेश्वर का। कस्मात, किस हेतु से कहते हो? पहले प्रशासना सूत्र में आया कि प्रशासनम ही यह श्रूयते, क्योंकि इसके विषय में ये प्रशासन कहा गया, जगत को प्रशासन करना ये परमात्मा के लिए कहा गया है कि नहीं। हाँ ये कहते हैं यहाँ पर एतस्य वै अक्षरस्य, अक्षर कौन है यहाँ पर? परमात्मा। परमात्मा अक्षर के अनुशासन में ही प्रशासन है। हे गार्गी, ये संबोधन है। सूर्या चंद्रमसो, ये सूर्य है चंद्रमा है, सूर्यश्च चंद्रमाश्च
इति सूर्या चंद्रमसौ। ये चंद्रमा चंद्रमा ये चंद्रमा है ना भाई, हाँ हिंदी में पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? अजी हिंदी में, अब संस्कृत का नहीं पूछ रहा हूँ, हिंदी का पूछ रहा हूँ। हिंदी में तो स्त्रीलिंग बोलते हैं ना, चंद्रमा आया बोलते हैं, चंद्रमा गई आई। बोलो कोई, आया बोलते हैं? अच्छा आया, ठीक है। संस्कृत में तो पुल्लिंग है ये, चंद्रमस शब्द होता है, चंद्रमस सकारांत होता है। अब प्रथमा एक वचन है चंद्रमाहा, चंद्रमाहा चंद्रमसौ चंद्रमसः, ऐसे बनता है। और सूर्य में आ हो गया, ये द्वंद्व समास होने से देवता द्वंदे च, इसलिए सूर्य के अ को आ हो गया, ऐसा होता है। सूर्य और चंद्रमा ये उपलक्षण ले लो, सारा विशिष्ट पदार्थ जगत में जितने भी है ऐश्वर्यशाली पदार्थ है उसको भी शासन परमात्मा करता है कि नहीं? ये देखो सूर्य एक सेकंड भी जो है कम ज़्यादा नहीं करता है। ये सब प्रशासन है परमात्मा के, ऐसा कह दिया। इस प्रकार प्रशासन होना चाहिए कि नहीं आपके ऊपर, इसका शास्त्र का होना चाहिए, शास्त्र का होना चाहिए ना, क्योंकि शास्त्र तो परमात्मा के क्या है, और स्वास्थ्य है ही आज्ञा है, परमात्मा की आज्ञा क्या है, शास्त्र है। श्रुति स्मृति ममे भाग्ये यस्त्व उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मद्द्वेषी स न मद्भक्त न मत्प्रियः। भगवान कहते हैं ये श्रुति है स्मृति है, मेरी साक्षात आज्ञा है, इसका जो उल्लंघन करता है अरे सब कुछ नहीं होता है, सब चलता है, कभी भी उठो कुछ भी करो सब चलता है, नहीं बोलते हैं सब चलता है। इसलिए शास्त्र का जो उल्लंघन कर लेता है तो भगवान क्या कहते हैं, मानो कि मेरा ही द्वेष करता है ना, मेरी है मेरा ही अपमान कर लिया, हो गया कि नहीं हो गया? जैसे माता का कहना ना माने तो किसका अपमान हुआ, माता की आज्ञा यदि माने तो माता के अपमान हुआ। इसी प्रकार से ईश्वर की आज्ञा है शास्त्र, शास्त्र को जब ना माने तो किसका अपमान हुआ, तब परमात्मा का अपमान हो तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी कि नहीं होगी? बड़े विद्वान हो जाएंगे तो नहीं होगा? क्यों आजकल ही चलता है ना, अरे बता हम तो विद्वान है, हमारे ऊपर कोई शास्त्र नहीं है, सबके ऊपर शास्त्र लागू तो होगा है कि नहीं? चलो देखो, प्रशासनम च पारमेश्वरस पारमेश्वरम कर्म, ये जो प्रशासन करना ये परमेश्वर का कर्म है, धर्म है। न च अचेतनस्य प्रधानस्य प्रशासनम संभवति, ये तुम्हारा प्रधान जो है ये तो अचेतन है जड़ है, ये जड़ जो पदार्थ है वो क्या प्रशासन करेगा, उसमें ज्ञान ही नहीं है तो क्या प्रशासन करेगा, है कि नहीं भाई? इसलिए अचेतनस्य प्रधानस्य प्रशासनम संभवति न संभवति। एक तो प्रधान में कोई प्रमाण भी नहीं है, ये तो युक्ति से कहा जा रहा है धन में ना, ऐसा कह दिया भाई। अच्छा और आगे लिखते हैं क्या, नहि अचेतनानां घटादिकरणानां मृदादीनां घटादि विषयं प्रशासनम अस्ति। इसमें दृष्टांत दे दिया भवनवासागर, क्योंकि अचेतनानाम घटादि कारणानाम, घटादि का जो कारण है कौन है, मिट्टी, घट का कारण हो गया मिट्टी, पट का कारण हो गया तंतु, है कि नहीं? तो घटपटादि का शासक ये क्या वो तंतु वगैरह होता है क्या? हाँ ठीक है, तंतु ना हो तो पट नहीं बनेगा, बात तो ठीक है, लेकिन प्रशासन करेगा तंतु, घट का प्रशासन करेगा मिट्टी, ऐसा तो नहीं है।
प्रशासन तो चेतन का धर्म है ना। हाँ ये बात कह दिया, ठीक है भाई। अच्छा और राय क्या है, भामति है इसके ऊपर कुछ? देखो थोड़ी सी है, एक ही पंक्ति है। प्रशासन मतलब क्या? आज्ञा। प्रशासन से हमारे क्या लेंगे? आज्ञा ले लो और क्या। ऐसा कह दिए प्रशासन आज्ञा। ये जो प्रशासन मतलब आज्ञा, चेतन चेतन धर्मो, ये सब चेतन का धर्म है। न अचेतने प्रधाने व अव्याकृति व संभवति। ये देखो बोलते हैं कि ये जो है प्रशासन करना, ये प्रधान का धर्म है कि अव्याकृत का धर्म है? अव्याकृत मतलब क्या? माया, ज्ञान। ये माया को भी ले लिया तो माया प्रशासन करेगी? माया को भी जगत का हम कारण मानते हैं वेदांत में, वो भी स्वतंत्र नहीं है माया। मायाम तो प्रकृति विद्यात, मायनम तो महेश्वरम। माया भी स्वतंत्र नहीं है, परब्रह्म में आश्रित होकर के माया जगत का कारण है, स्वतंत्र नहीं है माया। और भगवान ने भी तो कहा माया दक्षिणा प्रकृति सुयते स चराचरम, वहाँ पर भी कहा गया। इसलिए न अचेतने प्रधाने व अव्याकृति व संभवती। इसलिए जो प्रशासन जो आज्ञा है ये चेतन का धर्म है। इसलिए अचेतन प्रधान कहो, अचेतन अव्याकृत माया कहो, इसमें भी ये धर्म नहीं हो सकता है। ऐसा कह दिया, ठीक है। अच्छा और क्या कहते हैं? बोलते देखो महाराज कभी कभी हो जाता है ना, अचेतन में भी ये धर्म हो सकता है, इच्छा आदि हो सकती है, गौण हो जाएगी। नच मुख्यार्थ संभवे कुले पिपति सती इतिवत भागतत्वम उचितम इति भाव। देखो क्या है, बोलते हैं कि कुलम पिपति सती, अरे नदी का किनारा है ना, नदी का किनारा, अरे अभी गिरने वाला है, तो क्या बोलते हैं? ये कुल जो है ना, कुल मतलब किनारा, अभी गिरना चाहता है कि नहीं? ये कपड़ा जो कोई कपड़ा जर्जर हो जाता है ना, ये कपड़ा जो है फटना चाहता है। ऐसे कि नहीं? कोई कोई लोग पहनते हैं ना भाई, महात्मा लोग, जब तक शरीर में पहनने लायक है वो तब तक पहनते हैं, है कि नहीं? हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज थे वो, ब्रह्मचारी महाराज थे। हाँ कोई वस्त्र दिया तो ऐसे तो लेते नहीं थे वो, एकदम बस दो ही कपड़े था उनके पास। तो फट गया तो उसको सिलाई करते थे वो, सिलाई करते थे सुई से ही सिलाई करते थे वो। लेकिन पहनने लायक नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? शरीर में पहनने लायक नहीं हाँ तो क्या करेंगे? उसको पगड़ी में यूज करेंगे, ठंडी आई तो पगड़ी मार देंगे। वो भी फट गया तो उसको फिर पोछा में लगा देंगे। एकदम जब तक जर्जर ना हो उसको फेंकते नहीं थे। तो कुलम पिपति सीधे कहते क्या हुआ, किनारा जो है गिरना चाहता है, तो कुल तो वो जो किनारा वो तो जड़ है, फिर भी उसमें इच्छा का प्रयोग हुआ, गौण प्रयोग हो गया। इसी प्रकार प्रधान में भी ये जो प्रशासन रूपी जो आज्ञा है वो गौण अर्थ ले लो, है कि नहीं? बोलते हैं ऐसा नहीं, जहाँ पर मुख्यार्थ संभव नहीं है वहाँ पर गौण अर्थ ले जाता है कि नहीं? क्या जहाँ पर मुख्यार्थ संभव नहीं है वहाँ पर गौण अर्थ लिया जाता है, हो गया कि नहीं? जैसे देखो, जैसे वहाँ पर कह दिया ना सिंहो माणवक, सिंहो माणवक, वहाँ पर माणवक को भी सिंह होगा बालक, वहाँ पर गौण अर्थ ले जाएगा, सिंह सदृश ये माणवक, ये लक्षण करने पड़ेंगे ना, क्योंकि मुख्यार्थ वहाँ पर संभव नहीं है। लेकिन जंगल में जो है वो शेर है कहने से बने सिंह, मतलब क्या हुआ वहाँ पर? सिंह मुख्यार्थ है कि नहीं? बने सिंह कहने से सिंह का अर्थ सिंह सदृश है क्या? नहीं नहीं है, क्योंकि वन में तो सिंह रहता है, धन में कि नहीं?
तो जहाँ पर मुख्यार्थ संभव हो तो वहाँ पर लक्ष्य गौण अर्थ नहीं ले जाता है। इसी प्रकार जो है वो चेतन है कि नहीं ब्रह्म, ब्रह्म तो चेतन है, यदि चेतन ब्रह्म में शासन करना ये तो संभव है, यदि उसको ना लेकर के नहीं प्रधान में प्रशासन है वो गौण अर्थ है ऐसा नहीं ले जा सकता है। ये कहाँ पर मुख्यार्थ संभव है, मुख्यार्थ संभव होने पर भागतत्वम उचितम, भागत मतलब गौण अर्थ उचितम नचो उचितम, दृष्टांत बीच में दे दिया कूलम पिपदस्यते, जैसे कूल गिरना चाहता है वहाँ पर तो गौण अर्थ है लेकिन मुख्य अर्थ नहीं है, ये तात्पर्य हुआ। ठीक है, इसलिए अक्षरम अम्बरांत धृते है तो कहने से अक्षर अक्षर से क्या लेंगे परब्रह्म लेंगे, अम्बरांत आकाश पर्यंत सारे जगत को धारण करना ये तो परब्रह्म का है, प्रधान का नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, अच्छा आगे थोड़ा है और ले लेते हैं, हैं कौन सा नंबर 12 नंबर, चलो 12 नंबर। तो कहते हैं कि अन्य भाव व्यावृतेश्च, अन्य भाव व्यावृतेश्च, अन्य भाव व्यावृते है ना, सूत्र में दो पद करो, अन्य भाव व्यावृत्य है आगे च हो गया है ना, तो च मतलब अपि, इसलिए भी इस हेतु से भी ये जो अक्षर है वो प्रधान आदि नहीं है, क्यों फिर कौन है ब्रह्म ही है, हेतु दे दिया पहला पद, तो अन्य भाव व्यावृतेश्च है ना, तो अन्य भाव व्यावृतेश्च मतलब क्या हुआ, जो प्रधानादि जो धर्म है ना, प्रधानादि जो धर्म प्रधानादि का जो धर्म है ना उसका क्या होगा, प्रधानादि का धर्म चेतनत्व है कि जड़त्व है, जड़त्व है, है? एक में हाँ जड़त्व है, तो अन्य भाव प्रधानादि का धर्म भाव मतलब धर्म, प्रधानादि का धर्म क्या है अचेतनत्व, और अचेतनत्व जो धर्म है ना वो अक्षर में संभव है नहीं संभव है ना, अक्षर में प्रधानादि का धर्म अन्य भाव कहने से क्या, प्रधानादि का धर्म जो अचेतनत्व आदि है वो नहीं है, कहाँ पर अक्षर में नहीं है, ओके कि नहीं, इस हेतु से भी यहाँ पर अक्षर प्रधान आदि नहीं है किंतु कौन है ब्रह्म है ऐसा लेना है। इसको थोड़ा कल परसों करते हैं, थोड़ा विचार करना है, परसों विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।